अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी खुशी की बात है कि आज RZP स्कूल मोरबा गर्ल्स के अंदर यहाँ पर साइंस नुमाइश का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीफ गेस्ट आए हुए हैं, आइए इनके तासुरात हम यहाँ पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा था फंक्शन, बच्चों ने यानी बहुत मेहनत की है इसके बनाने में, और आज जैसे यानी फ्यूचर जो है वो सब साइंस के ऊपर ही है। जितनी हम लोग साइंस के इसमें तरक्की करेंगे, हमारी कम्युनिटी यानी हमारी कंट्री वैसे ही तरक्की करेंगी। माशाल्लाह बच्चों में यानी यही एज में जो रुझाव दिख रहा है, जो इंटरेस्ट दिख रहा है साइंस में, वो काबिल तारीफ था माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और उनके पीछे माशाल्लाह टीचर्स का हाथ है। जब से जनाब आए हैं कुछ ना कुछ एवरी ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को और एक्टिविटीज़ हो रही है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है। ये जब हम स्कूल में थे वो दौर में ये सब कुछ नहीं होता था और अभी हम देख के हमको बहुत ही खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है। तो ये सब एफर्ट है वो जनाब को जाता है। माशाल्लाह जनाब की भी मेहनत बहुत है, अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आते रहता हूँ और इसके पहले भी आया था। छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उन प्रोग्राम में आने के बाद ये पता चलता है कि हर बार आ जाओ तो कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है। और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के साथ में यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों के साथ साथ उनके टीचर लोगों की मेहनत का ये सब रिजल्ट है। तो ये सब हमारी तरफ से उनके लिए अप्रिसिएशन है सब, और उम्मीद करते हैं कि जनाब और उनके साथ लोग जो भी टीचर लोग हैं वो इंशाल्लाह हमेशा ये करते रहेंगे और हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के कुछ ताउन की वजह से हम यहाँ कर रहे हैं। मैं पहले ही बाहर ही बताया कि 2019 में जब से आया यही लोग है कि उन्हीं के ताउन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इन लोगों का ताउन रहता है। और एक ख़ास बात जो मैंने बाहर भी बताया कि ये सब बच्चों ने घर से बना के लाए, यहाँ हमने खाली उनको बोल दिए कि अपने को ऐसा करना है। ये उनकी मेहनत है, उनके पेरेंट्स की मेहनत है। सिर्फ कल परसों से हमने उनको यहाँ पर लाने के बाद फिर किस तरीके से करना है क्या करना है वो हमने बताया। तो मैं वो पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ और मेरे स्टाफ को भी, क्योंकि जब तक साथ नहीं रहेगा तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों का ऐसा ही ताउन रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रायगढ़ जिला परिषद और दो स्कूल गर्ल्स में विजिट हुई, देखकर खुशी तो नहीं दिल बाग बाग हो गया कि हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने इतने बेहतरीन मॉडल बना के लाए कि जो पांचवी छठी सातवीं आठवीं के बच्चे बनाएंगे उससे भी अच्छे मॉडल बनाए। काबिले तारीफ है उनकी मेहनत और उनका प्रेजेंटेशन जो है वो इतना अच्छा वो बोल रहे है। वाकई में यहाँ के असातिज़ा को इसका सेहरा जाता है। मैं हमारे अब्दुल कादिर हरनेकर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त रहनुमाई की और एक बेहतरीन एक्टिविटी जो है साइंस एग्जीबिशन। अभी मैं देख रहा हूँ 2019 से जब से अब्दुल कादिर हरनेकर सर यहाँ पर आए हैं, इन्होंने चार्ज लिया है, हर साल तमाम एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो बच्चों से करा के लेते हैं, देशभक्ति गीत है, नात कंपटीशन है, मुख्तलिफ मुकाबले जो है वो जितनी एक्टिविटी उनसे हो रही है वो करके ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जजाए खैर दे और इन बच्चों को जो हमारे इन बच्चों को जो है इसी तरह वो जो है हिम्मत अफजाई हिम्मत और हौसला अफजाई करते रहे। जजाकुल्लाह।